प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग सभी डैम लबालब भर चुके हैं। ऐसे में बरगी डैम के 21 गेट खोले जा चुके हैं। ऐसे में नर्मदा नदी में जल सैलाब आ रहा है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में ककरा घाट पर नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। वहीं स्टेट हाईवे 44 नंबर बंद हो गया है। वहीं काकरा घाट पर 20 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ऊपर अधिक बारिश होने के कारण से बरगी के गेट खोले गए, इस कारण से इतना विनाशकारी रूप माना जाता है। फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव, यहाँ पे पूरी फसल चौपट हो गई है। यहाँ आसपास जो खेत है ना, पूरा पानी भरने से फसलें नाश हो गई। बहुत बुरी स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घर छोड़ के सामान ढो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मौका बाजार से कितनी बुरी कंडीशन है। यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई सरकारी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। जो सरकारी कलम आना चाहिए था यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लोग खुद ही बचाव कार्य में लगे हुए। पानी करीब डेढ़ दो बजे बिल्कुल किया गया, गलत बात है ये। और सब लोगों ने हटाई भी दुकान, एक आध दो लोग जो सामान हटाते कुछ थोड़ा बहुत हो गया होगा, बाकी दुकान सब सामान हटा लिए है। अब उसके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते। पुलिस विभाग के 3 आदमी की ड्यूटी लगी और कुछ कोटवारों की ड्यूटी लगी, वो भी है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले तहसीलदार साहब भी आए थे। जल भराव के चलते प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, नरसिंहपुर।